सब सर्वाइवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आर्क मोबाइल। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं मल्टीप्लेयर सीरीज को, एंड आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपडेट दे देता हूँ क्या क्या हमने किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे बेस के पास जो थेरी डायनासोर घूम रहा था, उसने हमारा एक पैरासोर मार दिया एंड हमारे पास एक ही बचा जो कि मेरा है, एंड मिथिक एक्स ने उसका नाम पानी दे दिया, एंड दूसरा जो पकड़ेंगे उसका नाम पथ होगा। A few moments later. Okay guys, तो इधर पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने स्टोरेज लगा दिया एंड कैंप फायर भी है, और हमने एक बेस भी बनाया जो कि थैश का है, आप देख सकते हो। मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको, एंड बेस के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रखा हमने, जस्ट एक मोटर पेस्टर रखा है ताकि हम पोटेन डस्ट क्रश करके खा सके एंड लेवल हो सके हमारा बहुत ही जल्दी। तो देख सकते हो हम, मेरे पास एक पोटेन डस्ट पड़ा हुआ है तो उसे भी खाएंगे हम। एंड यहाँ पे सामने में एक ट्राइक घूम रहा है, तो हम लोग सोच रहे आज क्यों ना ट्राइक पकड़ लिया जाए। तो ट्राइक पकड़ने से हमारे बेरी फार्मिंग का भी इजी हो जाएगा एंड जो वुड थैच रहता है वो भी इजी हो जाएगा। ओके, तो हम रिक्स नहीं लेना चाहते एंड वैसे भी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्लिंग शॉट है। तो हम ट्रैप बना के ट्राइक को पकड़ेंगे एंड देखते हैं सस्ता ट्रैप काम में आता है कि नहीं। वैसे तो मैं वुड का बना रहा एंड ट्राइक वुड तोड़ नहीं सकता। ओके गाइस, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर्वर का नाम बताओ, मैंने जब एपिसोड 1 डाला था। तो अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, एंड मैं एक दो दिन में एक सर्वर ढूंढ लूँगा जिसमें हम सब्सक्राइबर के साथ खेल सकें, एंड मैं उसमें भी खेलूँगा। तो आप जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करो एंड ज्वाइन कर लो मेरे डिस्कॉर्ड। एंड हाँ, तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पे भी है, एंड जिनको फ़नी वीडियो अच्छी लगती है पबजी की, मैं इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे स्टोरीज डालता हूँ एंड वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो मेरे को अगर आपको पबजी की फ़नी वीडियोस देखनी है तो। एंड अभी फ़िलहाल की बात करें तो अभी सस्ता ट्रैप बन रहा है, और सच में मैं नहीं जानता ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा, बट मैंने ऐसे ही बना दिया। तो मेरा कुछ ऐसा प्लान है कि मिथिक एक्स यहाँ से भागते हुए आएगा एंड इसके नीचे चल जाएगा और ट्राइक इस ट्रैप में अटक जाएगा। तो भाई मेरे को सच में नहीं पता ये प्लान काम करेगा भी कि नहीं करेगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है। मैंने सस्ता ट्रैप बना तो दिया है, एंड भाई साहब मैं रॉक के ऊपर चढ़ के मिथिक एक्स को टेम करते हुए देखूंगा, एंड हो सके तो मैं हेल्प भी कर दूंगा ऊपर से थोड़ी बहुत। एंड गाइस, क्या लगता है आपको, मिथिक एक्स अकेले टेम कर पाएगा या फिर मेरा ट्रैप फेल हो जाएगा? ओके, तो अभी मिथिक एक्स ने एग्रो का रख लिया है, बट हमारा ट्राई का स्टैमिना बहुत लो है भाई, वो आ भी नहीं पा रहा, देख सकते हो। एंड देखो फिर से रिकवर हुआ ओ भाई मेथिक एक्स जस्ट स्टक हो गया था एक जगह पे, उसे ट्राइक निकलने नहीं दे रहा था। भाई क्या कर रहा है ये ट्राइक, भाई यार मेरा ट्रैप काम ही नहीं कर रहा, कैसा ट्रैप बना दिया। ओके okay, काम कर गया एंड ट्राइक से बात नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। नहीं 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 ओ भाई भाई नहीं नहीं, काम कर रहा, मेरे पास तो नहीं आ रहा कहीं ये। ओ भाई मेरे पास ही आ रहा, मैंने क्या किया भाई तेरे को, मेरे पास क्यों आ रहा ओ भाई मैंने क्या किया तेरे को। अच्छा अच्छा, मेरी क्या एक्स के पीछे जा रहा है भाई, वही तो बोलूँ मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे को दौड़ा रहा। अच्छा तो मैं, मेरे को हेल्प करना पड़ेगा मिथिक एक्स का, तो मैं पहले जाके स्टोन ले आता, एंड मेरे पास स्टोन भी नहीं है हमारे स्टोरेज में, तो मेरे को जाके तोड़ के लाना पड़ेगा। ओके तो मिथिक एक्स अकेले टेम नहीं कर पाएगा, मेरे को उसका हेल्प करना पड़ेगा जाके। तो मेरे को प्यास भी लग गई है भाई साहब एक। ओके तो ट्रैप काम कर रहा है गाइस, देख सकते हो, एंड ट्रैक जस्ट ट्रैप को मारे जा रहा, बट वो तोड़ नहीं पाएगा ट्रैप, एंड देख सकते हो मैं उसे मार रहा हूँ, मिथिक एक्स क्या कर रहा हूँ वहाँ पे भाई, क्यों यार हेल्प कर दे थोड़ा सा। ओके नो प्रॉब्लम गाइस, देख सकते हो आप, उसे क्रेडिट मत देना, मैंने ट्रैक को टेम किया है। अब इसका टॉर्पर इतना बढ़ गया है कि ये फ्ली कर रहा है, तो मैंने ही टेम किया है। ओ देख सकते हो हमारा ट्राइक अनकॉन्शियस हो चुका है, एंड मैंने टेम किया है, उसे क्रेडिट ना देना जाके कि मिथिक एक्स टेम करता है। ओके तो भाई तुम्हारा प्रो है ट्राइक टेम करने में, बिकॉज हमने बहुत खेला है
आर्क, एंड मैंने हर टाइम मेरा जब भी खेलता था मैं सोलो में, तो मैं ज़्यादा लेवल तो नहीं, बस 40-50 जाके हर बार गेम डिलीट कर देता था, मेरे को उतना खेलने का मन नहीं करता था। ओके, तो मेथी कैक्स का हेल्थ लो हो गया था तो मैंने उसे ब्रीव दिया ताकि उसका हेल्थ बढ़ सके, एंड अभी इसे बेरी दे देते हैं एंड फिर मैं मिलता हूँ आपसे जब ये टेम हो जाए। आई मीन टेम होने वाला हो, टेम हो जाएगा तो क्या दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। तुम्हारा भाई भी कभी कभी नारकोटिक के नशे कर लेता है तो उसमें गुस्सा आने वाली बात नहीं है। एंड हम इस एपिसोड में ट्राई करेंगे कि रैप्टर भी पकड़ लें, एंड रैप्टर पकड़ने से बहुत ईजी हो जाता है गेम, एंड हमें थोड़ा सा थोड़े बहुत हाइट्स चाहिए, तो हाइट वैसे तो कलेक्ट कोई नहीं कर पाता तो रैप्टर बहुत ही अच्छा कलेक्ट कर पाता है। एंड नारकोटिक भी है तो थोड़े बहुत नारकोटिक दे देता हूँ उसका टॉर्पर कंट्रोल रखने के लिए। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो मेक श्योर वीडियो लाइक कर देना, एंड नए चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, भाई का चैनल है, एंड मैं सोलो भी खेलता हूँ तो आप सोलो का भी देख सकते हो स्टार्टिंग से एपिसोड। ओके गाइज, तो मैं मिलता हूँ आपसे जब ये टेम होने वाला हो। ओके गाइज, तो ये टेम होने वाला है एंड देख सकते हो मेथी कैक्स इसके ऊपर चढ़ के क्या कर रहा है। उसने तो टेम किया है, टेम मैंने किया, एंड वो दिखा रहा मैं बाहुबली हूँ, बट असली में मैं बाहुबली हूँ। एंड हम भी ट्राई करेंगे, भाई मैं जैसे ही चढ़ा ये ट्राई कर गया एंड उसके ऊपर ही मैं हूँ। वाह नाइस, ये कौन सा मैजिक है भाई। देखो अब मैंने टेम किया। अच्छा भाई मेरा रिकॉर्ड नहीं करेगा, मैंने तेरा रिकॉर्ड किया। ओके गाइस, तो अभी सैडल बनाते हैं इसका, तो बिना सैडल का तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा लेवल हो चुका है 16 एंड हम राफ्ट भी बनाएंगे आई थिंक इस एपिसोड में, तो पहले ट्राई के सैडल बना लेते हैं। तो हमें 140 हाइट चाहिए एंड 140 हाइट कलेक्ट करने के लिए मैं देखता हूँ अगर हमारे स्टोरेज में रखा होगा तो ले लेते हैं, एंड मेथी कैक्स के पास भी कुछ हाइट है तो उससे भी ले लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ तो हमें थोड़ी बहुत हाइट की कमी पड़ गई, एंड मेथी कैक्स वो दे देगा, वैसे टेंशन की बात नहीं है। ये देखो उसने फेंक भी दिया। ओके, तो और 5 की ज़रूरत है तो मैं डोडो मार के ले लेता हूँ। एंड गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप जिस डायनो को ढूंढते वो मिलता नहीं है, एंड अगर आपको वो डायनो नहीं चाहिए रहता तो वो कहीं भी मिल जाता है, एंड बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि देखो अभी डोडो मेरे को मिल नहीं रहा है, वैसे तो बहुत सारे डोडो यहाँ पे रहते हैं बट अभी नहीं मिल रहा। ओके गाइस, तो मेरे को एक डोडो मिला था एंड मैंने उसे मार के हाइट ले लिया। अब ट्रैक का सैडल बनाते हैं, एंड भाई साहब ये मूवमेंट स्पीड इतना स्लो क्यों हो जाता है जब क्राफ्टिंग करते हो, तो इसको सही करना चाहिए। ओके, तो हमारा सैडल बन के रेडी है एंड अभी ट्रैक को लगाते हैं सैडल, फिर इसका राइड करते हैं। ओके गाइस, तो मैं बहुत देर से चला रहा था ट्राइक एंड बहुत फार्मिंग कर ली, अब मेथी कैक्स की बारी, उसे चलाने देते हैं। भाई रुक क्यों गया वहाँ पे, आ जाओ भाई। ओके एंड ओ भाई ये क्या हो रहा, मैं इसके ऊपर हूँ। ओके गाइस, तो देख सकते हो आपको सैडल की ज़रूरत नहीं, आप ट्राइक पे 2 जन बैठ के कहीं भी जा सकते हो, जैसे कि मैं और मेथी कैक्स जा रहे हैं अभी, एंड कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे में। देख सकते हो इजीली कितना हम लोग जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को यार ऊपर में। ओके, तो हमने बहुत मस्ती कर ली एंड ये देखो थेरिजिनोसॉर है जो ये परेशान कर रहा था, तो मैंने एक प्लान बनाया कि मैं थेरिजिनोसॉर को एग्रो करूँगा एंड ब्रोंटो को मारूंगा एंड जाके फिर मर जाऊँगा, एंड ब्रोंटो थेरिजिनोसॉर को मार देगा इजीली। बट भाई साहब यहाँ पे प्लान फेल हो जाता है मेरा यार, मैं क्या करूँ। एंड ब्रोंटो वहाँ पे एकदम खड़े रहता है, मैं थी किस्मे को बता रहा था ब्रोंटो उसे कुछ भी नहीं किया, भाई उसे मारना तो चाहिए यार। ओके, तो मैं मर के आता हूँ वापस, एंड यहाँ पे बोलता है कि एक ऑयल नाम का बंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम इसे सोचते हैं कि केज में डाल दें। ओके, तो हम केज बना रहे हैं अभी एंड उसे ट्रैप कर देंगे वहाँ पे ताकि वो निकल नहीं पाए। एंड भाई देखो वो तब से बोल रहा था ऑयल, तो मैं सोच रहा था कि जो ऑयल मिलता है ना आर्क में उसकी बात कर रहा है, बट ये ऑयल नाम का बंदा है, तो भाई मेरे को कन्फ्यूज कर दिया था पूरी तरह से। ओके, तो अभी जाके ट्रैप लगाते हैं उस बंदे को, एंड भाई बहुत मज़ा आने वाला है जब वो ऑनलाइन आएगा और देखेगा कि मैं ट्रैप के अंदर हूँ, उसे कैसा लगेगा, बोलेगा ये कहाँ फंसा दिया मेरे को।
हट जा भाई। ओके गाइस, तो ट्रैप हो चुका है जैसे कि देख सकते हो। ओके गाइस, तो मेरे को काम करते करते भूख भी लग गई, तो मैं पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद खाना भी जाके खा लूँगा। एंड गाइस, हम प्लान बना रहे हैं कि जाके हम रैप्टर पकड़े, एंड रैप्टर पकड़ने से ईजी हो जाएगा, एंड मेरा लेवल भी हो चुका है उतना कि रैप्टर का शैडो खोल लूँ मैं। ओके, तो अभी हम रिवर के उस साइड जाने वाले हैं, एंड उस साइड पे बहुत सारे रैप्टर मिलते हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। एंड गाइस, देख सकते हो वहाँ पे क्या है भाई। मेरा और अल्फा रैप्टर का बहुत बहुत ही गहरा दोस्ती है, आपको पता नहीं है। मैं और अल्फा रैप्टर बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो मैं किसी भी सर्वर में जाता हूँ या फिर कोई भी गेम स्टार्ट करता हूँ तो अल्फा रैप्टर मेरे पास आता है। तो मजाक बहुत हो गया, एंड अभी जाके नॉर्मल रैप्टर देखते हैं। वैसे अल्फा रैप्टर को तो पकड़ नहीं सकते हम लोग, एंड वैसे भी वो टेम नहीं होता है। ओके, तो हम अभी रैप्टर को खोज रहे हैं, एंड एक मिनट, अरे रेक्स है क्या? अभी मेरे को आवाज़ आया था। ये तो नो प्रॉब्लम, अभी चलता है। एंड वैसे डीलो क्या कर रहे हैं यहाँ पे यार? डीलो से बहुत गुस्सा होता है। वैसे ये साइन क्या चीज़ की आ रही है? यहाँ पे तो कोई ऐसा डायनो नहीं जो हमें मारे। एंड हाँ, वहाँ पे नीचे में एक थेरिजनस और है, बट उससे प्रॉब्लम नहीं है हमें। ओके, तो मेथी कैक्स मेरे को अभी बुला रहा है कि आगे में थोड़ा सा चलते हैं, एंड फिर आगे में वहाँ पे रैप्टर होंगे, तो अभी चलते हैं। वैसे भी यहाँ पे रैप्टर मिल नहीं रहे हैं, एंड एक अल्फा रैप्टर वहाँ पे। ओके गाइस, तो अभी आवाज़ सुनना है, कुछ आवाज़ आएगा, एंड ध्यान से सुनना उसे, किसकी आवाज़ है, ठीक है? एंड मेरे को लिटरली मेरे को पता नहीं था वहाँ पे कौन है। ओके, तो मैं जब खेल रहा था उससे मेरे को कुछ साउंड नहीं आया, किसी की फूट स्टेप नहीं आया, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। तो मेरे पीछे एक कारण लगवा था, एंड भाई सब मेथी कैसे बोलता है कि भाई तू अपने पीछे क्या लेके घूम रहा? तो मैं सोचता हूँ भाई मैं क्या लेके घूम रहा यार, मेरे पीछे तो कोई नहीं है। तो फिर जब मेथी कैसे पीछे घूमता तो वो देखता है वो कारण मेरे पीछे आ रहा है, एंड भाई सब वो कारण मेरे पीछे नहीं आ रहा था जबकि मेथी कैसे पीछे आया था, बट वो है भाई अपने पीछे क्या लेके घूम रहा भाई, मैं कुछ नहीं लेके घूमता यार। वैसे भी अभी मारने का सोचते हैं कारणों को, वैसे मेरे पास है तो कुछ नहीं, बट मैं स्लिंग शॉट से मारने का सोचता हूँ, तो देखते हैं मरता है कि फिर हम लोग मर जाते हैं। वैसे भी रैप्टर तो मिला नहीं, बट कारनो हमें मिल गया भाई। सब इतने बड़े डायनो पड़े पीछे, वो ऊपर से ये हैंड्स आ रही हैं यार, ये अलग प्रॉब्लम देती है। एंड भाई सब देख सकते हो एक साथ में कितने सारी चीज़ें भाई, कैसे यार एक साथ में? मेरे को भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई, ऊपर से खतरनाक डायनो भी है, एंड हमारे बाहुबली मेथी कैक्स भैया मार देते हैं यार। देख सकते हो 60 लेवल का कारनो था, एंड भाई सब मेथी कैक्स ने मार दिया मेरे को लगा था हम मर जाएंगे, बट उसने मार दिया। ओके, तो पहले इनको मार देते हैं यार, बहुत प्रॉब्लम दे रही है। एंड भाई ओ भाई ये कहाँ से आ गया यार, यानी अभी कारों पीछे पड़ा था, उसके बाद रैप्टर, जब उतने देर से हम रैप्टर खोज रहे थे बट रैप्टर मिला नहीं, जब हमारी हेल्थ लो थी तब ये रैप्टर आया। भाई सब यार हार पाले क्यों यार? ओ भाई बोला नहीं मेरे पीछे मत आ यार। ओके ठीक है, मैं टेम करने का सोचता हूँ इसे, एंड आई थिंक टेम हो जाए मेरे से क्योंकि इसका हेल्थ बहुत लो है। एंड A few moments later. वो गाइस, हमने बहुत बड़े सपने देख लिए थे रैप्टर टेम करने के, हमसे ना हो पाएगा भाई, हम नहीं करने वाले रैप्टर टेम। तो अभी हम राफ्ट बनाने की सोच रहे हैं, एंड राफ्ट पे बेस भी बनाएंगे, आई थिंक अगले एपिसोड में बेस बनाएंगे राफ्ट पे, एंड हम कहीं भी जा सकते हैं वैसे राफ्ट पे बेस बना के, जैसे कि मैंने सोलो में ही किया है। तो मेथी कैक्स का आइडिया बहुत अच्छा लगा। गाइस अभी आप देखोगे थोड़ी देर पहले कि एक इतना बड़ा राफ्ट इतने छोटे बॉक्स में कैसे पैक हो सकता है यार, उतना बड़ा राफ्ट एक छोटे से बॉक्स में कैसे यार, कैसे मेरे को एक्सप्लेन करो भाई प्लीज़। ओके नो प्रॉब्लम, अभी हम राफ्ट चलाते हैं एंड ले जाते हैं थोड़ा बहुत।
ओके तो मैं देखिए सुपर चढ़ चुका है एंड हम थोड़ा सा घूमने जाते हैं, देखते कैसा मज़ा आता है। ओके गाइस तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर लाइक कर देना वीडियो एंड नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, सो टेक केयर एंड गुड बाय। एंड हाँ भाई, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना एंड तुम्हारा भाई इंस्टा पे भी है तो इंस्टा में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टा पे मैं पबजी की फनी वीडियो डालता हूँ तो फॉलो कर लेना। घुमा दिखती मंजिल कहीं नहीं, करना सब कुछ ठीक हो जाता फिर भी होता सही नहीं। वो प्यार था वैसे किसी और का, कोई और उसे चूम रहा, जिंदगी हो गई फिल्मों जैसी, हर सीन पे धमाका।